मटेरियल पाने स्टोर में काफी कुछ ड्रामा होगा। आने वाले एपिसोड में होगा कि धरा को यहाँ पर जनार्दन को ये लोग किडनैप करके लेके जा रहे होते हैं और धरा के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर शिवा, देव और गोम्बी तीनों ही पहुँचते हैं, लेकिन ऋषिता की वजह से वहाँ पर बड़ी चालाकी से ना जनार्दन भाग जाता है, लेकिन फिर से वो तीनों पकड़ते हैं और उसको गाड़ी में बिठा लेते हैं। तो वही उनके सामने से ही धरा को वो औरत लेकर जा रही होती गाड़ी में और वो आधी बेहोशती होती है, उसे कोई होश नहीं होता। तो जनार्दन इशारों से बताता है कि धरा कहाँ पर है और वो फाइनली इनको बताता है इशारों में, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं होते हैं। फाइनली जनार्दन कैसे तैसे इनको इशारा करेगा और धरा की जा रही गाड़ी को बताएगा कि धरा उसी में है और गोम्बी की नजर पड़ेगी और वो धरा को बचा लाएंगे। तो दूसरी तरफ यहाँ पर घर में होने वाली है नवरात्रि स्थापना और घर में अब अच्छे से पूजा करना चाहती है सुमन, क्योंकि धरा पर बार बार मुसीबत आ रही है। साथ में शिवा और रावी का भी जो रिश्ता चल रहा है जिस तरह से, उसमें भी अब बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है और अब सुमन मन ही मन रावी और शिवा को भी फिर से एक करना चाहती है। तो यहाँ पर एक लड़की की एंट्री होगी जो कि नवरात्र स्थापना में ही होने वाली है। वहीं पर ऋषिता की जॉब लग जाने से अब घर वाले उसके लिए एक सरप्राइज पार्टी का प्लान करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सरप्राइज पार्टी होगी छोटी सी और यहाँ पर दूसरी तरफ उस लड़की की एंट्री होगी जो कि शो में अब एक नया ट्विस्ट लेकर आएगी, जो कि शिवा और रावी के बीच में आने वाली है। भाई शिवा तो शादी कर नहीं करना चाहता, वो रावी को ही कहीं ना कहीं पसंद करता है, लेकिन सुमन अब रावी और शिवा को हमेशा के लिए करने के लिए ड्रामा कर रही है। तो वहीं घर में होगी नवरात्रि स्थापना और नवरात्रि में ही सब कुछ अब ठीक हो जाए, इसीलिए सुमन बहुत ही प्यार से बहुत ही अच्छे से भक्ति से इस पूजा को करना चाहती हैं। तो वहीं धरा के लिए अब सभी लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाएंगे और उनका उसका ध्यान रखते नजर आने वाले हैं। वहीं ऋषिता भी माफ़ी मांगेगी कि उसके पापा की वजह से ये सब कुछ हो गया। तो भाई ऋषिता को भी सभी लोग खुश करने की कोशिश करेंगे कि उसकी जॉब की खुशी में एक छोटी सी पार्टी रखकर। तो वही रावी और शिवा भी अब फिर से एक हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले ड्रामा तो बनता ही है।